नमस्कार, मैं राकेश लेकर आया हूं क्राइम की खबरें जो दहला देंगी आपके दिल को, जो मजबूर कर देंगी आपको सोचने के लिए। भाई देखते हैं क्राइम की खबरें जो इस हफ्ते घटित हुई। पहले सबने जमकर शराब पी, फिर आपस में हंसी मजाक शुरू हुआ, लेकिन अचानक ये हंसी मजाक झगड़े में तब्दील हो गया और फिर चार दोस्तों ने मिलकर कर दी एक अधेड़ की हत्या। बोखरा थाना इलाके में 19 जुलाई की रात अर्जुनपुरा गांव के खेत में एक व्यक्ति का लहूलुहान हालत में शव मिला था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो सामने आया कि मृतक रमेश शराब पीने का आदी था। वारदात वाले दिन मृतक आरोपी महावीर सिंह, रघुवीर, रोहित और नरेश से मिला था, जो कि एक शराब की दुकान पर शराब खरीद रहे थे। इसके बाद सभी बदमाश रमेश को लेकर अर्जुनपुरा गांव में गए, जहां पर सभी ने मिलकर शराब पी, जिसके बाद रमेश का किसी बात को लेकर बदमाशों से झगड़ा हो गया और बदमाशों ने नशे में चाकू से वार कर रमेश को मौत की नींद सुलाकर खुद घर जाकर छुप गए। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब यह चारों जेल की हवा खा रहे हैं। मृतक रमेश मोडक थाना इलाके का निवासी था, जो अपने पिता की सेवा करने के लिए कोटा MBS अस्पताल में रुका हुआ था, लेकिन शराब के शौक ने उसे हमेशा के लिए अपने पिता से दूर कर दिया। जो नजदीकी शराब का ठेका था और आसपास के सभी CCTV फुटेज वगैरह खंगाले गए, तो जो ठेके पर फुटेज देखा गया उसमें इस व्यक्ति के साथ चार लोग और देखे गए ऑटो के साथ, जिसमें ये लोग उस ठेके से शराब ले रहे थे। उस हुलिये के बेसिस पे सभी जगह टीमें लगाई गई, सभी मुखबिरों को हमने एक्टिवेट किया गया और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वो व्यक्ति कौन है। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी टीम एफर्ट्स के बाद चारों व्यक्ति आइडेंटिफाई हुए। चारों व्यक्ति रेलवे कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिनमें त्वरित कार्रवाई करते हुए SHO बोरखेड़ा ने तीन व्यक्तियों को राउंडअप कर लिया और चौथे व्यक्ति की लगातार तलाश जारी है। जो घटनाक्रम पता चला अभी तक के प्राइमरी के अनुसंधान से, उसमें ये पता चला कि ये व्यक्ति शराब का आदी था। वो चारों व्यक्ति आपस में दोस्त थे, ये इन लोगों का वहीं पर दोस्ती हुई और फिर ये लोग अपने घर की तरफ, इसके साथ ये व्यक्ति उनके साथ उनके घर की तरफ गया, उसको साथ में लेके गए और वहाँ पर किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, जिसमें से जो मुलजिम है उनके पास पहले से चाकू था, उस चाकू से इस पे वार करके वो इसका मर्डर कर दिए। और ये सोचते हुए कि संभवतः बिल्कुल ही अज्ञात है, पुलिस को नहीं पता चलेगा, ये व्यक्ति अपने घर पर जा करके तुरंत वहाँ से फरार होकर घर पर जा करके छुप गए थे, जिसको जिनमें से तीन को तलाश करके हमने राउंड अप कर लिया है और चौथे की तलाश जारी। पहले दोनों ने की एक साथ मेडिकल की तैयारी, फिर दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती बदल गई प्यार में। इसके बाद लड़का बन गया डॉक्टर, लेकिन महिला मित्र को लिव इन रिलेशनशिप में रखा और शादी का झांसा देकर कई सालों तक उसका यौन शोषण किया और अब रैपिस्ट डॉक्टर पहुंच गया है जेल। महावीर नगर थाना पुलिस ने लिव इन रिलेशन में रहने के दौरान शादी का झांसा देकर 5 साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी को भोपाल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। पीड़िता ने जून 2020 में SP City को परिवाद दिया था और परिवाद में पीड़िता ने डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के दौरान 2014 से लेकर डॉक्टर बनने तक लिव इन रिलेशनशिप रखकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो शिकायत सही पाई गई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शादी के लिए आरोपी डॉक्टर और उसके परिवार में पहले सहमति बनी थी, लेकिन डिग्री पूरा होने के बाद डॉक्टर का परिवार बदल गया। शादी के लिए वो दहेज की डिमांड करने लगे, जिसे भी वह पूरा करने में सक्षम थी, लेकिन इसके बाद भी आरोपी डॉक्टर ने शादी करने से मना कर दिया और उसका यौन शोषण करता रहा। महावीर नगर थाना पुलिस आरोपी डॉक्टर को भोपाल से गिरफ्तार कर कोटा लाई और यौन शोषण का आरोपी डॉक्टर पहुंच गया सलाखों के पीछे। 18 जून 2020 को फरियाद यानी श्रीमान IAS साहब ने परिवाद पेश किया था। उसमें उसने बताया था कि सन 2011 से एक लड़का है राहुल सूर्यवंशी, जो पछोर राजगढ़ का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का। इन दोनों साथ PMT की तैयारी की थी, तो दौरान उनके आपस में प्रेम संबंध हो गए थे। इस लड़के का सिलेक्शन भोपाल में चिरायु मेडिकल कॉलेज में हो गया था, जहाँ ये तैयारी कर रहा था। उस समय लड़की और लड़के घर वालों ने मिलकर इनकी शादी तय की थी, आप शादी कर देंगे।
कि लड़की उसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में 2014 से रह रही थी, 5 साल तक लगातार रही। जब उस लड़के की डिग्री पूरी होती है उन्होंने उससे उसके घर वालों ने और लड़के वालों ने डिमांड करना चालू कर दिया, भाई तुम 10 लाख रुपये जब तुमसे शादी करेंगे। फिर उसके बाद इस लड़की को उन्होंने छोड़ दिया और इस तरह वो लड़का लड़की साथ रहे। दौरान वो लड़के ने उसका शारीरिक शोषण भी किया, शादी का जैसा दिया उसको, उसके बाद शादी से इनकार कर दिया, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो टीम यहाँ से भोपाल गई थी, कल भोपाल से मुलजिम राहुल सूर्यवंशी गिरफ्तार करके लाएंगे। पहले उन्होंने चोरी के आभूषण खरीदने का दिया लालच और फिर 7 लाख रकम लूटकर कर दी व्यापारी की हत्या, लेकिन हत्यारे कानून के हाथों से बच नहीं पाए और आखिरकार 1 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए और पहुंच गए जेल। 1 साल पहले गंगधार के साकरिया के जंगलों में एक व्यापारी का शव बरामद हुआ था, लेकिन व्यापारी की हत्या पुलिस के लिए एक पहेली बन गई थी। 1 साल की मेहनत के बाद पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई और हत्याकांड को सुलझाने में सफल हुई। सुवासरा के रहने वाले व्यापारी अशोक महाजन की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तकरीबन 1 साल पहले प्रॉपर्टी डीलर और व्यापारी अशोक महाजन का शव गंगधार थाना क्षेत्र के साकरिया मार्ग के जंगल में पड़ा मिला था, जिसकी बड़ी बहरहमी से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से ही पुलिस की टीमें मामले के खुलासे में लगी थी। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग का भी सहारा लिया और पुलिस के हाथ आरोपियों तक जा पहुंचे। हत्याकांड को गंगधार थाना क्षेत्र के मुंडला ढेरे के कंजर आरोपियों ने अंजाम दिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि व्यापारी अशोक महाजन को चोरी के सोने चांदी के आभूषण बेचने के लिए फोन करके बुलाया गया था, जहां उसके पास मौजूद बड़ी नगद राशि को लूटने के लिए पहले उसका गला दबाया गया और बाद में पत्थर से सिर कुचलकर शव साकरिया मार्ग पर फेंक दिया गया था। गंगधार थाना पुलिस ने वारदात में शामिल 5 कंजर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं शेष 6 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। 1 साल पहले ब्लाइंड मर्डर हुआ था अशोक गुप्ता नामक व्यक्ति का, जो सुवासरा मध्य प्रदेश का रहने वाला था, हमारे जो बॉर्डरिंग में था। उसकी डेड बॉडी हमारे यहाँ पे गंगधार क्षेत्र में मिली थी और साल भर से ये कुछ रीज़न से खुल नहीं पाया था, पर आज SHO गंगधार और साथ में SHO सुवासरा ने मिलके इसका मैटर का खुलासा कर दिया है। इसमें ये सामने आया है कि हमने 11 कंजरों को इसमें नामजद किया है, जो मुंडला एरिया जो हमारे गंगधार में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि इन्होंने, क्योंकि ये व्यापारी ही था और इसको ये लालच दिया कि अपने पास चांदी है जिसको आप आके खरीद सकते हैं, तो ये अपने साथ कैश भी लेके गया था, बट उनका प्लान था कि जब ये कैश लेके आएगा तो तब इसको मार के हम कैश ले लेंगे, और चांदी तो सिर्फ एक प्रलोभन था उसको बुलाने का। तो इसका वहाँ पे गला दबा के और पत्थरों से इसको वहीं मार दिया गया, क्योंकि साल भर पुराना मामला था, बहुत इसको ट्रिकी था, खोलना मुश्किल भी था, बट सुवासरा SHO ने टेक्निकल आस्पेक्ट्स पे काम करते हुए और SHO गंगधार ने इस पर अपना फिजिकली और बुला के किस तरीके से इन्होंने अनुसंधान किया उससे करते हुए 11 आरोपियों को हमने नामजद किया है। सगे भाई ने चंद पैसों के खातिर कर दिया रिश्तों का कत्ल और कुल्हाड़ी से वार कर उतार दिया भाई को मौत के घाट, लेकिन पुलिस के तफ्तीश ने कातिल भाई को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। अटरू थाना क्षेत्र के सकतपुर में 21 जुलाई को खेत पर सो रहे कृष्ण मुरारी सुमन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए शातिर सगे भाई सत्यनारायण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खुद को पाक साफ बताते हुए शातिर हत्यारे भाई सत्यनारायण ने अपने भाई की हत्या का इल्जाम गांव के दूसरे लोगों पर डाल दिया था, लेकिन जब पुलिस ने हत्या की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की तो शक की सुई छोटे भाई सत्यनारायण पर केंद्रित हो गई। उधर शातिर सत्यनारायण ने खुद को बचाने के लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों की बैठक बुलाई और उल्टे पुलिस को घेरने की तैयारी कर ली। इस दौरान सत्यनारायण को फोन से सूचना मिली कि पुलिस का शक उस पर है और उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इस पर सत्यनारायण बैठक को बीच में ही छोड़कर गायब हो गया और मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन शातिर हत्यारा कानून के हाथों से नहीं बच पाया और पुलिस ने भाई को खोज निकाला और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे।
पूछताछ में सत्यनारायण ने भाई की हत्या करना कबूल लिया है। उसने बताया कि बपावर निवासी रघुवीर वैष्णव और महेश माली से उसका विवाद चल रहा था, जिन्हें फंसाने के लिए उसने योजनाबद्ध तरीके से भाई को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारा और दोनों को फंसाने के लिए उन पर शक जताता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली है। सकतपुर में मर्डर हो गया, मौके पर हम पहुंचे तो वहां देखा है सत्यनारायण माड़े का भाई कृष्ण मुरारी जो अपने खेत पर सत्यनारायण के मकान के जस्ट पीछे एक टापरी में सो रहा था। सत्यनारायण ने बताया साहब रात को 2 बजे कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई, मैं टॉर्च लेकर उठा था, 2 आदमी बाहर के नजर आए और भाई को देखा तो लवान में पड़ा था जिसको बाहर हॉस्पिटल में भिजवाया, खुद नहीं गया साथ में, गाँव वालों के साथ उनके बच्चों के साथ भिजवाया। मौके पर वहाँ रिपोर्ट लेके पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी घर वालों को सुपर्द करके मुकदमा दर्ज करके जांच करी, 15-20 जनों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी करी। पूछताछ करते तकनीकी साधनों से भी हमने अनुसंधान किया, दौरान अनुसंधान हमारा सब केस पे सत्यनारायण पे ही गया, अब 9:30 खानपुर के आसपास मिल गया। हमारे गाँव वालों के साथ थे, गाँव वाले इसके रिश्तेदार उधर खानपुर करके वो पहचानते थे ना, उन्होंने इसको डिटेल बोले हम जो हम लेके आए हैं थाने पे, आज सुबह उससे पूछताछ करी तो उसने खुलासा कर दिया साहब। मेरे भाई के पहले भी माथापोड़ी होती रहती थी पैसे के मामले में, जमीन के बुआई के मामले में, और अभी हमारे ब्राह्मणों के रघुवीर के हमारे माथापोड़ी चली रही थी, तो मैंने सोचा इसको मार लेते हैं, रघुवीर महेश जेल चल जाएंगे और मेरा नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी 20 तारीख को बिल्कुल स्विच ऑन बंद किया था तो गाँव वालों को पता था भाई इनकी माथापोड़ी चल रही है दोनों के, तो उसका फायदा उठा के इसने एक ऐसा कृत्य किया ताकि मेरे ऊपर तो ध्यान नहीं जाएगा और पुलिस इनको रघुवीर को इनको महेश को जेल भेज देगी। उसका जुर्म ये था कि उसके पास अवैध हथियार मिला था, लेकिन पुलिस ने उसे इतना मारा कि उसकी जान ही चली गई। फिर क्या था, पूरा थाना हो गया सस्पेंड। मामला झालावाड़ के खानपुर थाने का है, जहां अवैध हथियार रखने के जुर्म में पुलिस एक युवक राजेश मीना को थाने लेकर आई थी, जहां पर पूछताछ के नाम पर उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट से युवक की हालत बिगड़ी तो पुलिस आनंद फानंद में युवक को खानपुर के अस्पताल लेकर पहुंची, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने पुलिस पर हिरासत के दौरान उसके भाई से मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। इस मामले में एसपी ने एक्शन लेते हुए पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया, लेकिन पूछताछ के नाम पर इस कदर मारपीट करने से पुलिस खुद कटघरे में खड़ी हो गई है। पुलिस वालों के नाम है लॉकअप में ले जाके इसको बहुत बुरी तरह से कहना है, इसको बहुत बुरी तरह से सब मारा, बुरी तरह से इसको उसकी मौत हो गई। किस कारण ले गई थे? एक नाम है मम्मी और एक नाम है तो उसके बिजनेस में जाके थोड़ी बहुत बोल चलो बोल चालो वो इतना जो मम्मी ने कहना हमें थाने में जाके उसके कहना वो को करती रिपोर्ट कि पुलिस वाले आए दो जो उसको कहना हमें बेमास बाजार में वो उठा के अटमा लेके थाने में। तो आपका क्या आरोप है कि पुलिस की पिटाई है, क्या क्या पुलिस ने क्या पुलिस वालों ने थाने में ले जाके उसे कहना हमें मार ही डाला उसे। पड़ोसी ही निकला युवक का कातिल, युवक की हत्या के आरोप में अब पड़ोसी पहुंच गया है सलाखों के पीछे। पुलिस ने हत्या की यह गुत्थी सुलझाई महज 24 घंटों में और हत्यारे पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। झालावाड़ के देवनगर के पहाड़ों में एक युवक का पत्थरों से कुचला हुआ शव मिला था। पड़ताल की तो युवक की पहचान नलखेड़ी निवासी देवेंद्र सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के परिजनों से दोस्तों से सबसे पूछताछ की, कॉल डिटेल निकाली तो शक की सुई पड़ोस में रहने वाले राजू दास बैरागी पर गई। पुलिस ने शक के आधार पर पड़ोसी राजू दास बैरागी से पूछताछ शुरू की तो हत्यारे का सब्र जवाब दे गया और उसने हत्या करना कबूल लिया। हत्यारा राजू दास बैरागी मृतक के गांव नलखेड़ी का ही रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में हत्यारे ने बताया कि मृतक देवेंद्र सिंह अक्सर शराब पीकर उसके घर में बिना अनुमति के घुस जाता था और उसकी पत्नी पर गलत नियत रखता था। इस बात को लेकर अभियुक्त की पत्नी और मृतक देवेंद्र सिंह के बीच झगड़ा भी हुआ था और बात गाली गलौज तक पहुंच गई थी। अपनी पत्नी से हुए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए पति राजू दास ने ये योजना बनाई। इसके तहत पहले मृतक को जमकर शराब पिलाई और जब वह पूरी तरह से नशे में डूब गया
तो देवनगर की सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर पत्थरों से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के खुलासे में पुलिस ने कड़ी मेहनत की और मात्र 24 घंटे में ही हत्याकांड से पर्दाफाश कर दिया। ब्लाइंड मर्डर का जो 24 घंटे के अंदर खुलासा हो रहा है, कल देवनगर में जो मंदिर को जाने वाली सड़क है वहाँ पे एक देवेंद्र नामक व्यक्ति की बॉडी मिली थी, जिसका काफी बेरहमी से मर्डर किया हुआ था और सिर को जो दिख रहा था कि पत्थर से सिर फोड़ा गया है उसका 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए सदर पुलिस ने राजू दास पुत्र भंवरदास बैरागी को इसमें हमने अरेस्ट किया है। इनका जो जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था, जब उसमें जांच की गई तो आखिरी बार ये इसके साथ ही देखा गया था, फिर जब इसको ट्रैक किया, मूवमेंट को ट्रैक किया, तो फिर ये पूरा खुलासा हुआ कि ये एक तो शुरू से ही हमें ये झूठ भी बोल रहा था। तो जब इनकी एक चीज़ को, इनके अलिबाई को जब हमने कन्फर्म करने की कोशिश किया तो वो नहीं बैठ रहा था, और जब फाइनली हमने रात को जब अच्छे से डिटेल में बैठ के सब हमने सारे एविडेंसेस को साथ लेके चले, तो ये खुलासा इस बात का हुआ कि ये जो राजू दास है ये अक्सर ही इसके साथ बैठ के शराब पिया करता था, देवेंद्र के साथ। देवेंद्र आदतन शराबी था, शराब पी के एक दो दिन घर से गायब रहना उसके लिए आम बात थी, और शराब पी के लोगों के साथ गाली गलौज करना, खास करके राजू दास के साथ गाली गलौज, और एक दो बार इसको थोड़ी बहुत मारपीट भी की थी, और इसके घर घुस के इसकी वाइफ के साथ गाली गलौज कर रखी थी। इस तरीके के इंसिडेंट का इन्होंने कबूला है, हमें बताया भी है, और हमारे पास ये एविडेंसेस हैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि राजू दास ही इसमें अभियुक्त है, और इसके अलावा यदि किसी और की इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए अभी भी हम जाँच कर रहे हैं। पिता ने उसे शराब पीने से मना किया था, लेकिन शराब पीने से मना करना बेटे को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया और सुला दिया मौत की नींद। लेकिन अब कातिल बेटा पहुंच गया है सलाखों के पीछे। वारदात अंता के रामपुरिया की है, जहां पिता ने बेटे से शराब पीने से मना किया था, लेकिन बेटे को मना करना इतना नागवार गुजरा कि उसने पिता पर चाकू से हमला कर दिया। घायल पिता की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पिता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पिता के हत्यारे को पकड़ कर पहुंचा दिया जेल। हत्या के आरोप में राजेंद्र सिंह दुर्गा शंकर केवट को मैंने आज अंता पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। राजेंद्र द्वारा अपने पिता के साथ चाकू से मारपीट की गई थी 9 मई 2020 को, जो ये बिना पुलिस को सूचना दिए इलाज कराने कोटा ले गए थे। इसके पिता दुर्गा शंकर की उस समय कोरोना पॉजिटिव आने से पहले कोरोना का इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद वापस MBS कोटा में इलाज चल रहा था, जहाँ उनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। दुर्गा शंकर की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू की चोट से आना स्पष्ट हुआ, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करके अब राजेंद्र केवट को अरेस्ट किया। क्राइम की खबरों में फिलहाल इतना ही, अगले रविवार को फिर लेकर आएंगे आपके लिए अपराध की कुछ और खबरें। तब तक सतर्क रहें, होशियार रहें और दीजिए मुझे विदा।